हेलो दोस्तों, मैं सविता, सविताज किचन एंड ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ दिवाली की खास रेसिपी, जो कि दिवाली में ये रेसिपी बनती ही है दोस्तों, और बहुत ज़रूरी है। इसे बनाना हमारे यहाँ तो बहुत कंपलसरी होता है। सूरन की सब्जी, चोखा या पकौड़ा, कोई भी कुछ भी, या दाल में ही डाल दो, लेकिन बनता तो ज़रूर ही बनता है दोस्तों। आपके यहाँ बनता है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो चलिए हम रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आज मैं बना रही हूँ सूरन की बिना लहसुन बिना प्याज की एकदम से टेस्टी और एकदम यूनिक सब्जी, जो कि इस सब्जी को आप खा लेंगे तो यकीन मानिए पनीर खाना तो आप भूल ही जाएंगे। इतनी टेस्टी सब्जी बनकर रेडी होगी दोस्तों। तो वीडियो को पूरा देखना दोस्तों, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। तो ये देख सकते हैं, यहाँ पर हम सूरन को आधा ही कट करेंगे, क्योंकि ये सूरन ज़्यादा है तो सूरन हम पूरा नहीं कट करेंगे। आधे की सब्जी बनाएंगे दोस्तों, इस आधे को हम रख देंगे। तो दिवाली में हमारे यहाँ बनता ही है दोस्तों, तो इसलिए मैं लहसुन प्याज नहीं डाल रही हूँ। अगर आप दिवाली में लहसुन प्याज बनाते हैं तो आप ज़रूर डालना दोस्तों, लेकिन मैं नहीं बनाती हूँ। इसके लिए मैं लहसुन प्याज का यूज़ यहाँ पर नहीं कर रही हूँ, इसीलिए मैं शेयर कर रही हूँ कि जो लहसुन प्याज नहीं खाते उनके लिए तो बहुत ही बेस्ट रेसिपी है ये दोस्तों, और जो खाते हैं उनके लिए भी बेस्ट है दोस्तों। क्योंकि एक बार इस रेसिपी को, इस सब्जी को आप खा लेंगे बिना लहसुन बिना प्याज, तो लहसुन प्याज के बिना आप सब्जी पसंद करेंगे खाना। इतनी टेस्टी सब्जी बनकर रेडी होती है। तो देख सकते हैं, सूरन को हमने बातों बातों में छील कर धो भी लिया है और हम इसे कट कर लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, सूरन काटने से पहले आप हाथों में तेल लगा लेना, क्योंकि ये थोड़ा सा खुजली होता है ना। तो इस तरह से कुछ हम लंबे लंबे टुकड़ों में इसे कट कर लेंगे। तो अगर आप तेल कर लगा के कट करेंगे तो बिल्कुल भी आपके हाथों में खुजली नहीं होगी। वैसे तो ये मतलब खुजली वाला सूरन नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है, तो आप हाथों में तेल लगा लेना। तो यहाँ पर सूरन हमारा कट चुका है, अब हम इसमें डालेंगे बेसन। तो यहाँ पर 4 बड़े चम्मच के करीब हमने बेसन ले लिया दोस्तों, तो हम बेसन इसमें डाल देंगे। तो आज हम बेसन वाली सूरन की सब्जी बनाने वाले हैं दोस्तों, पनीर खाना भूल ही जाएंगे, एक बार आप जरूर ट्राई करना। अब यहाँ पर हमने डाल दिया बेसन, और हल्दी डाल देंगे थोड़ा सा कलर के लिए, और यहाँ पर हमने डाल दिया कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर कलर के लिए ये भी, और थोड़ा सा हींग डालेंगे दोस्तों। और हमें इसमें बिल्कुल भी नमक वैसा मतलब कुछ भी नहीं डालना, क्योंकि हम सारा मसाले में डालेंगे, तो इसके लिए सिर्फ हमें फ्राई के लिए इतना ही डालना है। बस हम 2 से मतलब थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना, करीब 2 चम्मच के करीब ही पानी हम इसमें डालेंगे। बस बेसन हमारा जो है सूरन पर कोट हो जाए, बस उतना ही हमें पानी इसमें डालना है, इसका हमें घोल नहीं बनाना है। तो देख सकते हैं ना, बेसन पे सूरन पे बेसन का कोटिंग हो चुका अच्छी तरह से, ये देख सकते हैं दोस्तों। और हमने रख दिया है गैस पर पैन, तो पैन में हमने डाल दिया सरसों का तेल। तो दोस्तों, सरसों के तेल में सब्जी बहुत अच्छी बनती है, मैं तो ज़्यादातर सरसों में ही बनाती हूँ सब्जी। अगर आप जो भी कुकिंग ऑयल खाते हैं आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप एक बार सरसों के तेल में बनाकर देखना, बहुत पसंद आएगी आप सभी को। तो बस हम तेल गर्म हो चुका है, तो तेल में हम सूरन को इस तरह से डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से फैला देंगे, क्योंकि हमें इसे करना है फ्राई। और फ्लेम को हम स्लो कर देंगे दोस्तों, और तेल को पहले हम अच्छी तरह गर्म करेंगे, उसके बाद ही हम सूरन को डालेंगे। और अब फ्लेम को हम स्लो करके इसे ढक देंगे, तो ढकेंगे इसे 2 मिनट पर, हम चेक करेंगे दोस्तों। तो 2 मिनट के बाद देख सकते हैं आप, अब इसे हम चलाएंगे तो देखिए ये एक तरफ से क्रिस्पी हो चुका है। बस इसी तरह से हमें चला चला कर और ढक देना है दोस्तों। तो ढकने से क्या रहेगा ना, कि हमारे कच्चे सूरन जो है कच्चे हैं, तो सूरन हमारे ढकने से अच्छी तरह से पक जाएगा। तो बस इसी तरह से हमें अलट पलट कर इसे अच्छी तरह से पका लेना है, और मतलब एकदम से क्रिस्पी कर लेना है। तो जब हम सब्जी बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा, और पनीर तो भूल ही जाएंगे, यकीन मानिए आपको बहुत पसंद आने वाली है सब्जी। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करना, और इस दिवाली पे तो ज़रूर ट्राई करना दोस्तों। तो वापस से हमने ढक दिया है, अब हम 2 मिनट के बाद फिर चेक करेंगे, तो देख सकते हैं सूरन हमारा एकदम बिल्कुल रेडी हो चुका है, पक भी गया है और एकदम से अच्छी तरह से क्रिस्पी हो गया है दोस्तों। तो दोस्तों, वैसे भी आप सूरन किसी तरह से भी खा सकते हैं, लेकिन खाया जरूर जाता है, अनिवार्य होता है दोस्तों दिवाली में सूरन खाना हमारे यहाँ। तो बस इसी तरह से हम इसे चला देंगे, तो सूरन हमारा रेडी हो चुका है, अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे दोस्तों। देख सकते हैं इसी तरह से हम एक प्लेट में निकाल लेंगे, तो अब जो बचा हुआ तेल है उसमें हम डालेंगे हींग। तो आप चाहे तो मेथी दाना भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ हींग ही डाल रही हूँ, क्योंकि हमें पनीर का टेस्ट देना है यहाँ पर, तो इसके लिए हम इसमें मेथी दाना बिल्कुल नहीं यूज़ कर रही हूँ। अब इसमें हम डाल देंगे टमाटर और अदरक, जो कि हमने चॉपर में चॉप कर लिया है। आप चाहे तो इसमें पेस्ट भी बना सकते हैं,
लेकिन मैंने यहाँ पे चॉप किया, तो चॉप करने से ना इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे आप सिलबट्टे पे पीसते ना वैसा टेस्ट आएगा सब्जी का। तो बस इसे हमें 2 मिनट के लिए भून लेना है ताकि इसका कच्चापन अच्छी तरह से निकल जाए। अगर आप प्याज खाते हैं तो यहाँ पर प्याज का प्यूरी भी पीस कर डाल सकते हैं। प्याज लहसुन मतलब दिवाली में, वैसे तो सभी खाते हैं भाई, लेकिन दिवाली है, लक्ष्मी जी का आगमन है, तो मैं लहसुन प्याज यहाँ पर नहीं यूज़ कर रही हूँ इसके लिए। अब यहाँ पर हमने डाल दिया है धनिया पाउडर, और यहाँ पर हल्दी डाल दिया है, थोड़ा सा डाल दिया है हमने तीखा वाला लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला। तो सब्जी के अकॉर्डिंग हमें मसाले को डालना है दोस्तों। यहाँ पर हमने ले लिया किचन किंग मसाला, जो कि पनीर का टेस्ट आएगा इससे, और थोड़ा सा हमने जीरा मिर्च पाउडर डाल दिया है, और यहाँ पर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक अभी से ही हम डाल देंगे इसमें, और इसमें थोड़ा सा हम कसूरी मेथी, जो कि हाथों से इसे हम प्रेस करके डालेंगे ताकि ये बारीक हो जाएगा, तो इसका टेस्ट ज़बरदस्त हो जाएगा। बस इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है दोस्तों, और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी। तो पानी डालने से क्या रहेगा ना कि मसाले हमारे जलेंगे नहीं और अच्छी तरह से ये पक जाएंगे। तो बस पानी हमने डाल दिया है, अब इसे हमें अच्छी तरह से भूनना है चला चला कर, और फ्लेम को थोड़ा हमें तेज कर देना है, क्योंकि अभी तक हमारा फ्लेम स्लो था, क्योंकि हमें सूरन को भूनना था ना इसके लिए। तो हम फ्लेम को हाई कर दिए हैं और इसे हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से इसे हम भूनेंगे ताकि ये अच्छी तरह से भून जाए और इसमें से ऑयल रिलीज कर दे और अच्छी सी खुशबू भी इसमें से आने लगे। हमारा मसाला देख सकते हैं भून चुका है अच्छी तरह से दोस्तों, और आप भी इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई करना बिना लहसुन प्याज का, क्योंकि बिना लहसुन प्याज की सब्जी भी बहुत अच्छी बन जाती है। तो हमेशा तो हम लहसुन प्याज नहीं खा सकते, कैसे कोई पूजा कोई कुछ भी रहता है तो हम बिना लहसुन प्याज का तो बनाते ही हैं, लेकिन इस तरह से एक बार ज़रूर बना के देखना दोस्तों, आप सभी को बहुत पसंद आएगा। तो यहाँ पर जो मसाला भून चुका, तो जो हमने सूरन को मतलब फ्राई करके रखा था ना, बस सूरन को हम इसमें डाल देंगे और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं हमने अच्छी तरह से सूरन को मिक्स कर दिया। अब इसमें हम डालेंगे पानी, तो पानी अपने हिसाब से डालना है, जितना आपको ग्रेवी चाहिए कम ज़्यादा उस तरह से। तो बस इसे अब हम ढक देना है सिर्फ 2 मिनट के लिए, क्योंकि सब पका हुआ, सिर्फ मसाले को हमें पकाना है। तो ये देख सकते हैं इसमें उबाल आने लगा है, अब इसे हम चला देंगे दोस्तों। तो देख ही सकते हैं ना ग्रेवी इसकी कितनी टेस्टी लग रही है दिखने में, कितनी टेम्पटिंग लग रही है ना, और खुशबू भी बहुत अच्छी सी आ रही है दोस्तों, एकदम पनीर के जैसे ही इसमें से टेस्ट आ रहा है, लग ही नहीं रहा कि इसमें लहसुन प्याज नहीं पड़ा है दोस्तों। तो बस इसे हमें और थोड़ा सा भून लेना है, मतलब कि पका लेना है पानी उसके ग्रेवी को। तो ये देख सकते हैं हमारी सब्जी भी पक चुकी है अच्छी तरह से। अब इसमें हम धनिया डाल देंगे और धनिया डालकर इसे अच्छी तरह से हम चला देंगे। तो धनिया भी पड़ चुकी है, फाइनली हमारी सब्जी रेडी हो चुकी है दोस्तों। तो आप इसे पूड़ी के साथ खाइए, पराठा के साथ खाइए, या फिर चावल के साथ खाइए, जीरा चावल के साथ खाइए, पुलाव के साथ खाइए, बहुत ज़बरदस्त लगेगी आप सभी को, मतलब कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ये पनीर है कि सूरन है, इतनी ज़बरदस्त रेसिपी बनकर तैयार होगी सब्जी सूरन की। तो दोस्तों आप भी इस दिवाली पर ज़रूर ट्राई करना, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन को प्रेस करके, और मुझे सपोर्ट करना दोस्तों, और बेल आइकन ऑन करने से आपको मेरे आने वाली नई नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी दोस्तों। तो देख सकते हैं सब्जी का टेस्ट देखिए, सब्जी का टेक्सचर देखिए, कितना टेस्टी लग रहा है, दिखने में टेम्पटिंग लग रहा है दोस्तों। तो सब्जी हमारी रेडी हो चुकी है, तो आप भी एक बार जरूर ट्राई करना दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी दिवाली ऑल फ्रेंड्स।